देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और हमारी खास चुनावी पेशकश वोट फॉर गुड के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जी हां, वोट फॉर गुड का काफिला आज आ पहुंचा है वाराणसी और सियासत का। अब यूपी की चुनावी जो सियासत चल रही है उसका केंद्र भी बन चुकी है काशी, क्योंकि आज खुद पीएम मोदी यहां से मोर्चा संभाल चुके हैं। पीएम मोदी का रोड शो इस समय चल रहा है। आज आपको बता दें कि मलदहिया चौराहे से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद उनका ये रोड शो शुरू हुआ था। लहुरा बीर मैदागिन चौक और से होते हुए ये काफिला आना है उस जगह पर जिस जगह मैं इस समय मौजूद हूँ, गोल्दिया चौराहा इसे कहते हैं, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोगों का भारी हुजूम यहाँ पर है। सब लोग पीएम मोदी की झलक पाना चाहते हैं। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पैन करके वो दिखाएं इस समय यहाँ का नजारा क्या है। एक तरफ तस्वीरों में आप देख पाएंगे पीएम मोदी का काफिला लगातार धीरे धीरे इस तरफ गोल्दिया चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें इस इलाके की हैं, गोल्दिया चौराहे की जो तस्वीरें हैं इस समय वो आप देख सकते हैं। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर जुड़ी हुई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं वो भक्त भी यहाँ पर मौजूद है, श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है, और काशी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर स्पेशली अपने घरों से दुकानों से निकलकर बाहर इस चौराहे पर खड़े हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। आपको बता दें कि धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी इस रोड शो के जरिए दरअसल काशी की नब्ज पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लगातार दो बार से वो यहाँ से सांसद हैं। आपको बताया कि 2014 में काशी से उनका ये चुनावी सफर शुरू हुआ था जब लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने जीता था और लगभग 54% वोट उन्होंने उस चुनाव में हासिल किए थे। फिर 2019 में काशी की जनता ने उन्हें फिर से लोकसभा सांसद चुना और उस बार 63% से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं पीएम मोदी की लोकप्रियता का इस इलाके में। और जब बात चुनावी सियासत की होती है पूर्वांचल की, तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल की जो चुनावी सियासत है उसकी राजधानी काशी ही है। जी हाँ, काशी वो सियासत का केंद्र है जिसका संदेश पूरे पूर्वांचल में जाता है, और इस समय बीजेपी की पूरी पूरी कोशिश ये है कि पूर्वांचल की नब्ज को पकड़ा जाए, और इसलिए पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। आज इस रोड शो के जरिए आपको हम बता दें कि इस रोड शो के जरिए न केवल काशी बल्कि उन तमाम जिलों को वो संदेश देना चाहेंगे पूर्वांचल के, जहां 7वें और अंतिम चरण में 7 तारीख को मतदान होना है। आपको बताएं कि काशी की 8 विधानसभा सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत का परचम फहराया था 2017 में। 2017 में बीजेपी ने काशी की 6 विधानसभा सीटें जीती थी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने 2 सीटों पर कब्जा किया था। विरोधी पार्टियों के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी। बीजेपी फिर से उस जीत को, उस फतेह को रिपीट करना चाहती है और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के तमाम दिग्गज संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता आज यहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के मलदहिया चौराहे पर आने से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहां पर आए थे, उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उसके बाद पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी की अलग अलग जिलों में सभाएं भी थी। तो कुल मिला के जो 7वां चरण है बेहद अहम है, और इसकी अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने पूरा जोर 7वें चरण की बाकी बची सीटों पर लगा दिया है। बीजेपी के तमाम नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 5वें-6वें चरण के बाद ही वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं और 7वें चरण में इतनी सीटें आएंगी कि जो पिछली जीत थी 2017 की उससे भी आगे पार्टी निकल जाएगी, और इसलिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता काशी पर पूरी तरह फोकस कर चुके हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या खुद पीएम मोदी हो। इसके अलावा और भी तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इस पूरे इलाके में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे कि जो आखिरी मोर्चा बचा है 7वें चरण का उसको भी भारी बहुमत के साथ फतेह किया जा सके। धीरे धीरे पीएम मोदी का ये काफिला कारवां आगे बढ़ रहा है, और जहां पर हम इस समय मौजूद हैं वहां पर पहुंचने में भी कहा जा रहा है कि इसको अभी कम से कम
एक से डेढ़ घंटे का समय और लग सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरे रोड शो के दौरान अलग अलग इलाकों से होते हुए पीएम मोदी यहां तक पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी उनका कार्यक्रम है। केवल आज ही नहीं, कल भी पीएम मोदी काशी में ही रहेंगे। कल काशी में उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। तो ये तमाम आपको बता दें हम कि ये तमाम जो पूरे चुनावी कार्यक्रम है पीएम मोदी के, दो दिन यहां पर रहने वाले हैं। और सीधे अब हम रुख करते हैं, हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पर इस समय मौजूद हैं। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो काशी विश्वनाथ के वीआईपी गेट पर इस समय मौजूद हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो ये बताएं कि काफिला के कहां तक पहुंचने की खबर है और काशी विश्वनाथ कितनी देर में पहुंचेंगे वे? देखिए, समय का अभी अनुकूल नहीं लगाया सकता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उसका कारण यह है कि काफिला बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, कि मानिए पूरी काशी इस समय सड़क पर उतर आई हो। परमिंदर, आपको विजुअल्स दिखाएंगे। हम एकदम दरवाजे पर खड़े हैं, जो वीआईपी गेट है वहाँ पर हम खड़े हैं और इंतज़ार बस हो रहा है कि पीएम मोदी जब यहाँ पे आए तो अंदर जाएंगे। मंत्रियों के साथ भी, जितने भी मंत्री हैं वो सब भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। देखिए, पूरा गेट जो है पूरा जैम पैक्ड है। सामने अगर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक बैल्कनी है जहाँ पे लोग दुकानों से बाहर आके, सारे दुकानदार जो हैं वो बाहर खड़े हो गए हैं। हर कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाह रहा है। दूर तक, जहाँ तक नज़र जाएगी, भगवा झंडे नज़र आ रहे हैं, भाजपा लिखे हुए झंडे नज़र आ रहे हैं, लोग टोपियाँ लगा के आए हैं। एक रंग जो काशी का इस समय नज़र आ रहा है। ऐश्वर्या आपके पास लौटेंगे, ऐश्वर्या आपके पास लौटेंगे। आप इस समय वीआईपी गेट पर मौजूद है काशी विश्वनाथ के, और सब लोग इस समय ये जानने को उत्सुक है कि पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कब तक पहुंच सकते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वो पीएम मोदी के काफिले के साथ मौजूद है इस समय। सीधे हम कुमार अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, कितना समय लगेगा काशी विश्वनाथ उसके बाद गोदलिया पहुंचने में? कुमार अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क कुमार अभिषेक से नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि काफी आवाज यहां पर आ रही है, कहीं बीजेपी की चुनावी धुनें बज रही हैं, कहीं जयकारे लग रहे हैं बीजेपी के नेताओं के नाम के, चाहे सीएम योगी हो चाहे पीएम मोदी हो, उन तमाम नेताओं के नाम के जयकारे लग रहे हैं, कहीं शंख बज रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि सिग्नल की दिक्कत हो, हम सीधे रुख कर सकते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट, कहां तक पहुंचे हैं पीएम मोदी? आप किस पे हो अभी? 80 हिमांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं? अरे भाई, तुम क्यों रजिस्टर कर रहे हो? हाँ जी अनंत, आप सवाल पूछिए। अनंत सवाल पूछेंगे जी। सवाल मेरा ये है कि पीएम मोदी का काफिला कहाँ तक पहुँचा है? हेलो, कहाँ तक पहुँचा है पीएम मोदी का काफिला, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी का काफिला जो है अब धीरे धीरे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब से ये कह सकते हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है इस रोड शो का वो काशी विश्वनाथ मंदिर के इस गेट पर पहुंच जाएगा। और मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं यहां पर एक बार दृश्य, किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर अभिनंदन करना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब से कुछ देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंच जाएगा, और यहां से वो काशी विश्वनाथ मंदिर के इसी गेट से अंदर जाकर जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। और साथ जी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और यहां पूजा अर्चना करेंगे जी। लौटते हैं हिमांशु, आपके पास लौटते हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इतना बड़ा ये काफिला है, इतना बड़ा ये सफर है, इतना लंबा ये सफर है कि हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जहां से यहां से काफिला निकल रहा है, पीएम मोदी का ये रोड शो गुजर रहा है। हम सीधे कुमार अभिषेक का रुख करेंगे। कुमार अभिषेक, इस समय आप कहां पर हैं और क्या नजारा आपके सामने है?
देखिए आनंद, मैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में मौजूद हूँ और उस मीडिया वैन पर हूँ जो लगातार उनके साथ चल रहा है। हम लोग इस वक्त भैरव रोड पर हैं और महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर अब मंदिर है। अगले 10 से 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। चारों तरफ जो है, दोनों तरफ लोग हजारों की तादाद में मौजूद है, हुजूम मौजूद है, लोगों की मौजूदगी, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन लेते हुए इस इलाके से गुजर रहे हैं। लोग छतों पर हैं, मुंडेरों पर हैं, सड़क के किनारे हैं, जो बैरिकेडिंग है उसके पास है। कुल मिलाकर इस वक्त कहा जा सकता है कि ये जो पूरा इलाका है ये मोदीमय है, मोदी मोदी है, और जो पर्सनल करिश्मा है प्रधानमंत्री का वो इस रोड शो में दिखाई देता है। ये कोई पहला रोड शो नहीं है आनंद, 2014 में जब उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था तब भी एक बहुत बड़ा भव्य रोड शो हुआ था। 2017 में भी उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव में रोड शो में लोगों के लिए वोट मांगा था, बहुत बड़ा रोड शो था। तीसरा रोड शो उन्होंने 2019 में किया था, उनका खुद का चुनाव था, और 2022 में भी वो ये रोड शो कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मांग रहे। लेकिन ये जो इलाके हैं वाराणसी, यहाँ पर उनका रोड शो बहुत कुछ काम करता है, और एक आखिर वक्त में जो नाराजगी दूर करने की बात होती है, जो एक पर्सनल करिश्मा होता है उसका असर वोटरों पर होता है, और हमने ये देखा है कि यही वजह रही है कि ऐसे इलाके जहां पर कि बीजेपी कमजोर होती है वहां भी वो अपने साथ एक वेव, एक लहर बना ले जाते हैं, और वाराणसी जैसे इलाकों में पूरी की पूरी सीट बीजेपी जीत जाती है। जी अभिषेक, आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगा ऐश्वर्या पालीवाल का। ऐश्वर्या, जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी चंद मीटर की दूरी पर, कुछ सौ मीटर की दूरी पर अब है काशी विश्वनाथ मंदिर से, वहां पर क्या हलचल इस समय दिखाई दे रही है? देखिए, हलचल भी और आवाजें भी, परमिंदर आपको विजुअल्स दिखाएंगे, यहाँ पर लोग फूल लेके तैयार हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला एकदम गेट पर आ जाएगा, जो हमें अनुमान लगा सकते हैं 15 से 20 मिनट पर जो गेट है VIP, ये गेट नंबर 4 भी कहा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ पे पहुंच जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हम मेन गेट पर ही खड़े हैं, देखिए बहुत भारी तादाद में यहाँ पे प्रशासन ने बंदोबस्त किया हुआ है, पुलिसकर्मी बहुत भारी तादाद में मौजूद हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो फूल लेके इस समय तैयार है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे उन पर फूलों की वर्षा की जाएगी। आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो ये देखिए, ये आवाज़ बस आप सुनिए, ये लोगों की आवाज़ है, ये काशी के लोग प्राइम मिनिस्टर का अभिनंदन, स्वागत इन आवाज़ों से कर रहे हैं। अनंत जी, मैं लौटूँ आश्चर्य आपके पास। अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अगर हम इस इलाके की पूरे की बात करें तो पीएम मोदी यहाँ से सांसद हैं, और जनता के बीच जब हम घूमे हैं काशी की गलियों में तो एक अजीब सा जुड़ाव, पीएम मोदी के प्रति एक लगाव यहाँ पर देखा भी गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मिले पूरे रास्ते के दौरान, जब हम इस पूरे काफिले का जो पूरा रोड है, जो पूरा नक्शा है, उस पर हम चलते हुए आए तो हमने लोगों से बीच बीच में बातचीत की। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मंदिर के दर्शन करके आ रहे थे, लेकिन वो ठहर गए केवल इसलिए कि वो पीएम मोदी की एक झलक पा सके। तो ये जुड़ाव, ये लगाव देखने को मिलता है। सीधे में हिमांशु का रुख यहाँ पर करना चाहूंगा। हिमांशु, वाराणसी में भले ही ये रोड शो हो रहा हो लेकिन इसका संदेश काफी दूर तक पहुंचाने की कोशिश है, और क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी जब जब मैदान में उतरते हैं, मोर्चा संभालते हैं, रोड शो के जरिए वो अपना अभिवादन स्वीकार करते हैं लोगों से, तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज तमाम वोटर्स तक जाता है? हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता हमारा संपर्क अभी हिमांशु से स्थापित नहीं हो पाया है, जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम एक बार फिर से कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कुमार अभिषेक,
कितना समय और काशी विश्वनाथ पहुंचने में, अब कहां तक पहुंचा काफिला? देखिए थाना चौक का इलाका प्रधानमंत्री मोदी ने क्रॉस कर लिया है और थाना चौक से महज 500 मीटर की ये दूरी है। जब आप सीना बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचते हैं तो हम एकदम मुहाने पर हैं। हमने प्रधानमंत्री का रास्ता सीना मंदिर में होगा और हम लोग बेहद नजदीक है। 2.5 घंटे का ही सफर पूरा हो चुका है, 2 घंटे का वक्त रखा गया था, लेकिन जितना भीड़ और जितना हुजूम था इस वजह से ये माना जा रहा है कि अब मिनटों में प्रधानमंत्री का ये काफिला अब पहुंच जाएगा मंदिर तक। जी तो कुछ ही चंद लम्हे रह गए हैं मंदिर तक पहुंचने में। आपको बता दें कि 7वें चरण के चुनाव में 9 जिले हैं वाराणसी समेत और यहां पर 54 सीटों पर मतदान होना है और कोशिश ये है कि इन 54 सीटों पर नरेंद्र मोदी का रूप धारण करके आए और उसी तरीके से जो है वो दाढ़ी बनाकर आए हैं, बिल्कुल सफेद दाढ़ी है। लक्ष्य आज तो आप बिल्कुल मोदी जी के स्टाइल में नजर आ रहे हैं, 2 कॉपी। यस। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद है। आपको बहुत पसंद है? और क्या पसंद है आपको मोदी जी के साथ? मोदी जी के सारे काम। कौन कौन से काम आपको पसंद है? विश्वनाथ मंदिर बनाए, रोडे बनवाए, गरीबों को खाना दिलवाए, फ्री में दवाई दिलवाई, फ्री में राशन बंटवाए। बस इतना ही काम पसंद है या और भी काम पसंद है? घाट, बिजली और भी हा? और भी बहुत कुछ। कौन कौन से काम पसंद है आपको? उनके सब काम पसंद है। और इसीलिए आप मोदी जी के बिल्कुल ड्रेस स्टाइल में आ गए हैं हा? अब आएंगे तो मोदी जी से क्या चाहते हैं आप? हाथ में पीछे कुछ छुपा रखा है, दिखाइए जरा, क्या है ये? माला। किसके लिए है? मोदी जी के। मोदी जी को पहनानी है आपने, तो इतनी भीड़ में पहना पाएंगे आपको लगता है, उम्मीद है? हा? बिल्कुल। अरे बोलिए, खुलकर बोलिए। हाँ। ये आपको तैयार आपके माता पिता ने तो नहीं करके भेजा है या खुद से हुए? मोदी जी के बारे में आप कुछ बताइए, क्या पढ़ते हैं आप? मोदी जी के बारे में कुछ पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा। अखबार उखबार में पढ़ते हैं? अखबार पढ़ना शुरू किया? क्या पढ़ते हो उसमें? याद नहीं है? इन्हें याद नहीं है, इन्हें सिर्फ ये याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उनसे ये बहुत खुश है लक्ष्य, और लक्ष्य चाहते हैं कि जो इनके हाथ में फूल माला है वो माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में। जी जी, हिमांशु 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 ने हमारे संवाददाता हिमांशु ने एक बच्चे से बात की जो मोदी के वेश में थे। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे रोड शो के दौरान जब हम पूरे दिन से इसको लगातार कर रहे हैं कवर, 2 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था लोगों के जुटने का और अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति के जितने रंग हैं वो यहाँ पर नजर आए और अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग तरीके से लोग सज धज कर यहाँ पर आए थे। कुछ और रंग आपको दिखाते हैं, जरा सुनिए क्या कहना था जो लोग अपने अलग अलग वेश में आए थे। क्या मोदी जी ने किया है? बड़ा मोदी जी ने जो भी काम किया है वो आप सबके आंखों के सामने है। मैं मतलब कि हर एक गलियां बनवाई है, मतलब सबके दीवार पेंट करवाए हैं, उसमें पेंटिंग्स बनवाई है, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और क्या क्या बड़ा काम? काम विश्वनाथ जी बनाया है, घाट को स्वच्छ किया है और घाट पे पत्थर लगवाए अच्छे अच्छे। जी का तो काम यही है, सामने सामने मोदी जी का काम। और किस क्लास में पढ़ते हैं युवराज? थर्ड में पढ़ते हैं हम। थर्ड में पढ़ते हैं, तो क्या और क्या क्या जानते हैं मोदी जी के बारे में? और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम मोदी जी को खूब खूब धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि काशी का जो हाल पहले था वो ऐसा नहीं था, अब मोदी के आने से काशी बदल रहा है। मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया, घाट बनवाए, खिड़कियां घाट बनवाए, हम लोग के शहर में स्वच्छता की और हम लोग के लिए सफाई गली सब बनाई, स्कूल भी बन रहे हैं और जगह जगह हॉस्पिटल भी खोले।
तो थोड़ी ही देर में आपने देखा यहाँ पर काफी हलचल होनी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि गौदलिया चौराहे की हलचल इस समय हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि पीएम मोदी का काफिला यहीं पर आने वाला है। गौदलिया चौक पर भी उनका यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और देखिए इसको भव्य तरीके से सजाया गया है, काफी लाइटिंग है, काफी सजावट यहाँ पर की गई है। और इस समय गौदलिया चौराहे पर अचानक से सुरक्षाकर्मी सक्रिय होने शुरू हो गए हैं। पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए कि रस्सियों से लोगों को किनारे किया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिसकर्मी काफी इस समय यहाँ पर काफी हलचल बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी अभी आसपास ही मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में वो गौदलिया चौराहे पर आ सकते हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचने वाले हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वीआईपी गेट है वहां पर तमाम संवाददाता मौजूद हैं और वो पीएम मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। और इस समय गौदलिया चौराहे पर भारी संख्या में इस समय हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का। आपको बता दें कि बल्दिया चौक से आज उनका ये रोड शो शुरू हुआ था। कार्यक्रम हालांकि 2-2.5 बजे का था, थोड़ा सा विलंब उसके अंदर हुआ क्योंकि पीएम मोदी के अलग अलग इलाकों में जो वाराणसी से करीब है वहां पर उनकी सभाएं थी, उसके बाद वो यहां पर पहुंचे और फिर धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता चला गया। जहां जहां से ये काफिला गुजरा वहां वहां भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया, शंखनाद किए गए, बीजेपी के चुनावी जो गीत है वो गाए गए, जय श्री राम के नारे लगे, हर हर महादेव के जयकारे लगे और लोगों ने पुष्प वर्षा भी पीएम मोदी पर की है। और ये हर बार का है, जब जब उन्होंने रोड शो किया है 2014 से लेकर 2022 तक अलग अलग मौकों पर जब जब वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। लोगों को यहाँ पे मानना है कि काशी का जो एक बदला हुआ स्वरूप उन्हें देखने को मिल रहा है। अगर मंदिर की बात करें, जिस तरीके का भव्य मंदिर अब बन चुका है, ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। और ये जो रोड शो आप देख रहे हैं, ये रोड शो इसीलिए धीरे धीरे करके मंदिर तक पहुँच रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी काशी सड़क पर उतर आई है, लोग सड़क पर उतर आए हैं और लोग एक झलक देखना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। सईद, मैं जिस दरवाजे पे खड़ी हूँ ये वीआईपी गेट है, गेट नंबर 4 भी कहा जाता है इसको, यहीं से प्रधानमंत्री चल के अंदर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। सईद, तो ऐश्वर्या हमारी संवाददाता ने दिखाया कि कैसे लोग खुशी से झूम रहे हैं पीएम मोदी के इस रोड शो में, अलग अलग रंग यहां पर नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताएं कि जो भारतीय धर्म संस्कृति है उसके तमाम रंग यहां पर देखने को मिले। जो पीएम मोदी ने योजनाएं अलग अलग जिलों में शुरू की है, चाहे वो काशी में शुरू की हो या फिर काशी के आसपास के इलाके में शुरू की गई है, उन योजनाओं की एक झलकी भी झांकियों के माध्यम से इस रोड शो के दौरान दिखाई गई है। कहीं पर नृत्य के कार्यक्रम हुए हैं, कहीं पर संगीत के कार्यक्रम के मंच सजे हुए थे, कहीं पर लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और कहीं पर लोग राम सीता के वेश में आए हुए थे, मंच पर खड़े थे। और इस पूरे रोड शो में तमाम रंग नजर आए और अब एक और रंग, भक्ति का रंग इसमें दिखाई दे रहा है। जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, बाबा भोलेनाथ के वो यहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका जो काफिला है वो गौदलिया चौराहे पर आएगा। गौदलिया चौराहे पर यहाँ पर लोग बाकी बेसब्री से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम इसको सियासी तौर पर देखें तो केवल ये काशी का रोड शो नहीं है, इस काशी का जो पैगाम है वो पूरे पूर्वांचल में पहचाने की कोशिश है। और जब जब पीएम मोदी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है तो वो बीजेपी को ऐसा लगता है, बीजेपी के जो पूरा का पूरा चुनावी सेटअप है वो ये मान के चलता है कि उसका संदेश सकारात्मक पूरे इलाके में जाएगा और उसका प्रतिफल बीजेपी को मिलेगा। तो हम यहाँ पर मौजूद है गौदलिया चौराहे पर, थोड़ी ही देर में पीएम मोदी आने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।